पे पिक पे इसलिए क्योंकि ये जो भी बंदे अपने आप को प्रो मानते हैं वो सभी बंदे पिक पे आए गए और उनको मारने में आता है मजा। वैसे हम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं और वो भी हीरोइक के लोबी में, तो हमें यहाँ पे नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वो लोग चार चार के ग्रुप में हो गए और हम अकेले हो गए। वैसे भी हमारे साथ 15 के आसपास बंदे उतर रहे हैं रेडार के अंदर, तो रेडी है सब कुछ, हमें नहीं उतरना चाहिए। बट मेरे को लगता है कि हम मार देंगे, 15 बंदे कोई बड़ी बात नहीं है, 15 बंदों को तो निपटा सकते हैं। ये पहला नोक, ये दूसरा नोक, पहले को हेडशॉट नहीं लगा था तो मेरे को ऐसा लगा कि गया ये गेम, बट नहीं हेडशॉट लग रहा है। ये G36 गन में ही प्रॉब्लम है, सिंपल बात है कि अगर हमसे हेड नहीं लगता तो हमें प्रॉब्लम नहीं, हमेशा दूसरी चीज़ों को ब्लेम करो, हमें कोई खामी नहीं उतरे थे वो तो सभी गए कहाँ पे, ये है सवाल भाई। MP40 भी मिल गई, ये गेम तो बनता है भाई बुइया करना। अगर अभी बुइया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट स्टार्टिंग में ही मर गए तो लानत तो है, क्योंकि हमारे पास MP40 साथ में G36 ER का सबसे तगड़ा गन अभी के टाइम का अगर कोई है तो वो G36 तो नहीं है। कोई दूसरा गन हमें मिल जाता है तो चेंज करेंगे इसके साथ, बट उससे पहले एक और MP40। ओ माई गॉड, यहाँ पे फाइट चल रही है और हमें इन्विटेशन नहीं आया। कोई ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं मारूंगा इन लोगों को। ये देखो, ये बनेगा प्रो, तू बनेगा प्रो। ओ माई गॉड, सही टाइम पे धोखा ना दे तो G36 नहीं, ये गन तो कभी जिंदगी में यूज़ मत करो। ये तो मेरे को यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ये दो बंदे को जिसको नोक किया ना उसको कंप्लीट करते हैं वरना रिवाइव हो गए दोनों खत्म। ओ माय गॉड, फायदा भी उठाता है आराम। और कैसे कैसे लोग है देखो, इसने जैसे ही देखा कि हम उसको मार रहे तुरंत ही इसने रश कर दिया, पर हमारे साथ हमारा उसने हमारा साथ दिया। तो इसलिए ER वाली गन पे कम भरोसा करो, ER वाली गन पे भरोसा करो। अगर आपके पास कार है, M4A1 है, दूसरी कोई गन है तो एक बार के लिए G36 ना, उसके ऊपर भरोसा करना मतलब सुसाइड करना एक बार के लिए। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक और बंदा है। ओ माय गॉड, क्या कपड़े पहने हैं भाई, मैं बोल नहीं सकता इसका कपड़ा था। ये प्लेयर थोड़ा सा अजीब तो था। तो देखो, अपना गेम प्ले तो चलता रहेगा, बट मैंने पहली बार आप लोगों को बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और वहां पर अभी मैं रेगुलर हो चुका हूँ। पहले मैं कम ट्रेडिंग करता था, बट अभी मेरे को ट्रेडिंग करना आ चुका है। जैसे मैंने बोला था, डेमो अकाउंट में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो और जैसे ही सीख जाओ उसके बाद आप रियल अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बिनोमो पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, मेरे को लगता है ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने अप की साइड पे पैसे लगा दिए हैं और यहाँ पर एक ग्राफ ऊपर गया और मेरा काफी तगड़ा प्रॉफिट भी हो चुका है। साथ ही में आप लोग बिनोमो पे पैसे डिपॉजिट करने के लिए UPI, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक, कहीं से भी डिपॉजिट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा और डिपॉजिट जब भी आप पैसे करोगे तो कुछ ना कुछ तो बोनस आपको मिल ही जाएगा। तो बस जाओ, अपना बिनोमो पे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिनोमो का। तो अभी बिनोमो पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं। कितने किल हमने किए? 6 बंदे मार दिए हैं और इनफ है। 15 बंदे उतरे थे जिसमें से 15 में से चलो मान के चलते कि 5 प्लेयर तो। एक मिनट, ये गया इसका वो सोनिया एक्टिव हो गया। सोनिया किसी काम का नहीं है इतना, अगर मैं गेम में कुछ समझाऊँ ना अभी के टाइम में, सोनिया किसी काम का नहीं है। जब तक आप स्क्वाड में ना खेलो तब तक सोलो वर्सेस स्क्वाड में काम का नहीं है। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को मालूम है। चलो आ जाओ, अपन लोग निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं कोई बढ़िया जगह पे। लूट बूट हो चुका है, किल बिल हो चुके हैं, 7 प्लेयर हमने मारे हैं, 37 प्लेयर अभी तक अलाइव है, स्क्वाड सभी की सभी जिंदा है। मे बी कोई भी स्क्वाड ऐसी नहीं है कि पूरी की पूरी खत्म हुई हो, तो मजा बहुत आने वाला है एक गेम में। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसी और वीडियो के लिए। वैसे अगर इस वीडियो पे 2,00,000 कमेंट हो जाते हैं तो मैं एक और बार सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो अपलोड करूंगा, वरना टाइम लगेगा बट आएगा। हम जाने वाले हैं बीमा शक्ति ना, हाँ मेरे ख्याल से बीमा शक्ति ही जाते हैं, वहीं बेटर है। और उसके बाद हम जा सकते हैं, मेरे ख्याल से ग्रेवयार्ड साइड भी जा सकते हैं अगर जाना है तो, क्योंकि वहाँ पे बंदे हमें मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल बंदे ना सोलो वर्सेस स्क्वाड में हीरोइक की लोबी में, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पॉपुलर प्लेस पे तो नहीं आते, बीमा शक्ति या ये सब जगह पे, पिक पे एक बार के लिए आ जाते हैं जिनको थोड़ा वो होता है कि भाई किल बिल निकालते हैं, मजा बजा लेते हैं, फिर पता लगता है कि अज्जू भाई भी आए हैं गेम में तो भाग जाते हैं। जो थोड़े बहुत बच जाते हैं पिक पे उनको हम निपटा देते हैं, जैसे 7 प्लेयर को निपटा दिया, 33 प्लेयर अभी तक अलाइव है और अभी तक हमें एक भी प्लेयर बाद में तो नहीं मिला है। सवाल ये है, ओ
ये कहाँ जा रहा है? ओ अल्टीमेट प्रो, इसने सोचा कि हम अज्जू भाई को चाकू से मारेंगे। भाई ये वाला कौन पे? ओके इसको बहुत खतरनाक वाले हेडशॉट लगे, माँ कसम इसको जो मैंने मारा है ना, बहुत सही वाले हेडशॉट लग गए इसको तो। बट वो बंदे ने क्या सोचा? ओ एक मिनट एक और आ गया, ये देखो मेडिकेट मार लेते हैं, वहीं बेटर है क्योंकि ये प्लेयर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्रो, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छा प्लेयर है, पर ये क्या करेगा ये देखना है। इसे जाना चाहिए अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए, बट ये अपने करने के लिए नहीं जा रहा है, ये फाइट ही लेने के लिए आ रहा है। कोई ना इसका भी हम जुगाड़ करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ईगो है ना, दिखाते इसको भी हम भी प्रो है भाई। एक मिनट को, इसको गोली लगी नहीं है, मे बी ये ना थोड़ा सा नहीं बट कुछ तो बात है इसमें। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ तो मेरे को अब डर लगने लगा है इससे, गया काम से, लो करो बात। इसकी स्कोर के बंदे है कि कोई दूसरी स्कोर यहाँ पे आ गई, ऐसा क्यों लग रहा है? सैंडविच होने वाला हूँ मैं। चलो ये गया डाउन, बढ़िया। ओ नो भाई मत कर इंजेक्शन मार लगा, बताओ अब तो। इन्हीं की स्कोर के बंदे है, लपेटे गए हम लोग, कोई बात नहीं इसको पूरा ख़त्म करने के लिए। एक मिनट, वो दोनों रिवाइव हो गए, हमें निकलना चाहिए। एक तो हमने कंफर्म कर दिया, मत मार भाई मत मार, ये तो थोड़ा लफड़े वाला स्कोर है ये स्कोर। मिनट, आया आया आया, चलो ये भी गया, सोनिया ने बचाया नहीं इसको। ये कोर, ओ ये वही है, चलो पूरी स्कोर ख़त्म। ये डायरेक्ट किल था तो टेंशन नहीं है, पर एक बंदा रिवाइव होके, ये देखो। नहीं 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 ना मुन्ना ना, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैंने मैं भी पहले भी बोला था ना, हाँ ये जोन तो छोटा होने ही लगा है, इसको बढ़ सकते हैं। डाउन, बढ़िया अच्छा हुआ हेड लग गया। भाई हमने 12 बंदे मार दिए हैं फिर भी 34 प्लेयर अलाइव है, इसका मरना तो बनता है। हमने वैसे एक पूरा स्कोर तो ख़त्म किया है ये वाला, उसके अलावा अभी भी 33 प्लेयर अलाइव है, तो ये गेम थोड़ा तो अजीब जाने वाला है क्योंकि एंड सर्कल में भी मुझे लगता है कि 10-12 बंदे तो हमें मिल जाएंगे एकदम छोटे वाले सर्कल में, और सभी स्कोरे है तो प्रो भाई इस गेम में, तो थोड़ा मुश्किल गेम होगा बट ठीक है। आ जाओ इसके बैग को लूटेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे, मुझे लगता है ग्रेवियार वाली साइड पे बंदे हो सकते हैं। ये कौन उतर रहा भाई इसको? चलो बढ़िया, डाउन लूट कर लेते हैं आराम से। अरे भाई साहब 20 HP सिर्फ बचा है, ये एक बुलेट गलती से और लग जाता तो मेरा काम तो तमाम ही था। रज भी कर रहा है, प्रो लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं हम भी प्रो है भाई। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, इजी भाई इजी भाई, इसमें तो पता नहीं मैं मर गया था भाई, मेरे को समझ नहीं रहा है गेम बहुत अजीब हो रहा है बहुत। 16 किल हमने करे हैं, 23 प्लेयर अलाइव है, बट फिर भी मेरे को डर लग रहा है भाई। ये स्कार ले लूँ क्या? स्कार इज बेटर, देखो स्कार अच्छा है क्योंकि AK-47 अच्छा, बट AK-47 से हम लोगों का हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है आज के दिन, तो इस वजह से हम AK-47 को साइड करते हैं। देखो हेडशॉट कनेक्ट नहीं होने के बाद भी हेडशॉट कनेक्ट हो रहे बट दूसरी तीसरी गोली, और मेरे को चाहिए स्टार्टिंग में ही 2-3 हेड लग जाए, तो मेरे को मेहनत कम करना पड़े। आ जाओ अभी निकलते हैं हम लोग प्लांटेशन की साइड पे। ओ सामने की साइड पे है प्लेयर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा इनको भी मारेंगे, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। मे भी मुझे लगता है कि हमें हार्ड कवर लेना चाहिए इनसे फाइट लेने से पहले, वरना हम मर सकते हैं। तो नहीं यार इन लोगों ने देख लिया, मेरे को लगा नहीं देखेंगे लोग। चलो हेडशॉट तो नहीं लगा है बट कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। हाँ गए हम काम से, अब भाई ये सिचुएशन ही अलग है, यहाँ लगा देते हैं ग्लू वॉल। अब मैं सैंडविच हो चुका, अगर वो ड्रॉप वाले दोनों बंदे मेरे ऊपर रश करेंगे और ये बंदा यहाँ से रश करेगा तो मैं मर सकता हूँ, बट हम लोग अगर इसको डाउन कर देते हैं तो हमारा गेम बन सकता है। डाउन, अभी ये दोनों रश नहीं कर रहे हैं, मे बी मेरे को ना ये पत्थर वाले को पूरा ख़त्म करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की स्कोर का होगा। चलो अभी इसको निपटाते हैं, ये लो मत मारो भाइयों, अभी इसको निपटाते हैं, इसको करते हैं पूरा ख़त्म। अभी इनकी स्कोर का सिर्फ एक ही बंदा बचा है, देखो इनके स्क्वाड में 4 प्लेयर नहीं थे, 3 बंदे बचे हुए थे जिसमें से 2 को हमने मार दिया और एक बचा है जो कि अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए जाएगा, तो अपने पास टाइम है, तो थोड़ा घूम के हम ड्रॉप के पास में जाके देख सकते हैं, अगर वो वहीं पे ड्रॉप पे रुका हुआ रहा तो हम मार देंगे, अगर नहीं है तो
हम लोग भी निकलेंगे भीमा शक्ति की साइड पे, क्योंकि भीमा शक्ति की साइड पे थोड़ा फाइट हो सकता है। और वैसे भी जोन छोटे होने लगे हैं और प्लेयर अभी भी 16 लाए हुए, हमने 18 किल तो ऑलरेडी कर दिए हैं। मेरे ख्याल से आखिरी वाला बंदा इनकी स्क्वाड का निकल लिया है तो ठीक ही है। भाई एक मिनट रुको, हम ACDY ले सकते हैं क्या? ACDY बेटर ऑप्शन है अगर हम इसे देखें तो, क्योंकि इसके 3 गोली से हम लोग किसी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। इसमें था ना ACDY? नहीं इसमें था, ये ACDY उठा लेते हैं और निकलते हैं अभी भीमा शक्ति वाली साइड पे और देखते हैं प्लेयर कहाँ पे है। भाई ये गेम ना हम लोग जीत सकते हैं सच बताऊँ तो, बट मैं थोड़ा सा पता नहीं, बट मेरे को अच्छी वाइब नहीं आ रही है गेम से। मेरे को लग रहा है कि हम लोग एंड में जाके मारेंगे, पर ये भी लग रहा है कि जीत भी सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गेम में बहुत अजीब ही चीज़ें हो रही है। चलो आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी इसके बाद वाला जो जोन बनेगा, वो एक ग्लू वॉल लगी हुई है नीचे की साइड के, और ऊपर की साइड एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो नॉर्मल जब मैं गेम खेलता हूँ तब इस टाइप से मैं चीज़ें नहीं देखता हूँ कि पीछे प्लेयर है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे ऊपर पीछे की साइड से भी रश होगा तब भी मैं मार दूंगा। काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन कहाँ पर है, उसके बाद मैं खेलूँगा, राइट। ये देखो एक बंदा उतरा है, एक बंदा भाग के इधर आया है, एक है ड्रॉप की साइड पर, मे बी इसने हमें देख लिया है। तो हमें जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट ये वाला कवर लेना पड़ेगा जो कि है हार्ड कवर, वरना मर सकते हैं। अगर हार्ड कवर नहीं हो, चलो ग्रेनेड वगैरह फेंकते हैं इसके ऊपर थोड़े से, ताकि ये वाला ग्रेनेड सबसे बेस्ट भाई ग्लू वॉल ही तोड़ देगा। अभी इसको मारेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक मिनट है, ऊपर वाला बंदा क्या कर रहा है? ये गया, हाँ इसका सोनिया एक्टिव हो गया। अगर डिमिट्री नहीं होगा तो, ओ नहीं, ये अजीब हो गया मोमेंट, क्योंकि ये बंदा, चलो दोनों डाउन। अभी मैं भी ऊपर वाले बंदे का किल कंफर्म हुआ क्या? अभी मेरे को समझा नहीं। वो इसका एक और तीसरा टीममेट भी आ गया, बढ़िया भाई, ये तो अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। पूरी टीम मीटिंग ही यहाँ पे बुला ली इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, आराम से। ओके ये रहा इसका तीसरा प्लेयर और ये भी खत्म, और इसी के साथ हमारे हो चुके 22 किल और अभी भी 10 प्लेयर अलाइव है। अगर हमने 10 में से 6 प्लेयर भी मार दिए तो हमारे हो जाएगी 28 किल। मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग को 6 प्लेयर को तो मारने का मौका मिलेगा, अगर मिला तब, बाकी देखा जाएगा। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो ग्लू ने नोक किया था उसका किल हमें मिला है कि नहीं मिला है। हाँ मिला है, डेड बॉडी तो पड़ी हुई है 2, तो इस हिसाब से देखें तो हमें वो किल मिल गया है। बाकी थोड़ा मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऊपर जाके बंदे मारूं। देखो अगर पुराने अज्जू भाई होते, इसको करते हैं खत्म, हमें ऐसे ही किल उठाने होंगे भाई। हम मैं तो मैं घुस के नहीं खेलने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ये गेम बुरी है, और अगर मैं पुराने वाले फॉर्म में होता तब मैं ऊपर चढ़ के बंदों को मारता कि कौन है आजा देख लेता है। बट मेरे को ये पता है अभी कि मैंने इतना गेम नहीं खेला है तो प्लेयर भाई हीरोइक के लोबी में इतने भी नुबड़े नहीं है कि वो तुम्हें नहीं मार सकते हैं, समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से हमें थोड़ा वो रहना पड़ेगा। बट मेरे अंदर का जो एक बंदा है राक्षस है, वो बोल रहा है कि जाते ऊपर, थोड़ा देख के आते हैं। भाई देखो या तो गेम हम बुइया करेंगे, बाकी समझ लो ये गेम बुइया ही है। ये 23 किल इनफ होते हैं, 6 प्लेयर अलाइव है, जो भी होगा देखा जाएगा। क्या बोलते हो, ऊपर की साइड जाए क्या? आ जाओ ऊपर की साइड जाते हैं, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। अगर मर गए देन ये मत बोलना कि यार रज्जू भाई या नहीं हुआ, ये बोलना कि नाइस ट्राई, अच्छा ट्राई था, काफ़ी टाइम बाद समझ सकते हैं हम लोग, ऐसा लिखना कुछ बढ़िया सा। अगर इस वीडियो पे 1.5 लाख कमेंट हो जाते हैं, 2 लाख कमेंट, तो इसका मैं एक और गेम प्ले वीडियो अपलोड करूँगा सोलो स्कोर का। चलो बढ़िया, ये प्लेयर ने अच्छा ट्राई किया था, बट इसको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, इसने मेरे को देखा ही नहीं था। पता नहीं वो कौन से जन्म की लूट कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ लूट बचा था, तो घूमे जा रहा था क्या है, फुटस्टेप वगैरह चेक करो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो। नहीं इनको ऐसे ही खेलना है। हीरोइक की लोबी में ऐसे प्लेयर दिखता हूँ ना तब मेरे को गुस्सा आता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, सीरियसली ब्रो। एक मिनट, यहाँ पे कौन है भाई? हमारा MP40 ने आज भी साथ देना छोड़ा नहीं है। MP40 जैसी लड़की मिल जाए भाई जो कभी साथ ना छोड़े, तब आएगा असली मजा। SVD तो छोड़ेगी भाई, ये देगा ना। ओ भाई साहब, ये तो 2-2 प्लेयर का हमला हो चुका है हमारे ऊपर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, MP40 जब है साथ, MP40 लेट्स गो भाई साहब।
MP40 में तो चला की बात है, मैं भी इसके पास ना। ओह नो, ये कौन आ गया? 124 HP बचा हमारे पास, क्या हम इसे 90 HP ही बचा है? ये लो, पूरे के पूरे स्कोर को हमने निपटा दिया है और इसी के साथ हो चुका है हमारा बुइया।